हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है, तो चलिए इससे पूछते हैं कि सनी लियोनी को देखते हैं तो कुछ हो वो करता है। होता है ना? आ, क्या होता है? खरा होता है। आइए, हमारे साथ एक महान रैपर जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे छोटा सा एक रैप सुनते हैं। हाँ तो सुनाइए। रेस्टोरेंट बार है यार मेरा चार है, क्योंकि भाई तेरा घोड़ा है उसके पास लोड़ा है। हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन में क्या चल रहा है। ट्रिपल एक्स चल रहा है। तो हमारे साथ एक यूपीएससी का स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घर का नाम बताइए। मियां खलीफा। बुर्ज खलीफा। दोनों का वर्का वर्का ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसे गरीब व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनको खाने के लिए खाना ना रहने के लिए छत तक नहीं है, तो आइए उनसे पूछते हैं वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। ए राजू, अपना बीएमडब्ल्यू निकालो, इंटरव्यू खत्म होने वाला है। तो नमस्कार प्रणाम, हमारे साथ एक बहुत ही संस्कारी बच्चा जुड़ चुका है, तो आइए जानते हैं इसका फेवरेट हीरोइन कौन सी है। बनी ले बनी, नया नया में एकदम मियां खलीफा भी बनी है, चश्मा वाली। यार तो हमारे साथ एक यूपीएससी का स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घर का नाम बताइए। मियां खलीफा। बुर्ज खलीफा। दोनों का वर्का वर्का ऐसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है, तो चलिए इनसे बुर्ज खलीफा के बारे में जानते हैं। आप बुर्ज खलीफा के बारे में जानते हैं? हम बुर्ज खलीफा के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन मियां खलीफा के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो भैंसिया है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन में क्या क्या करती है। मैडम कुछ बोलिए। भाग यहाँ से भोसड़ी की। मैडम जी क्या भड़क रहे हैं, बताइए ना, बताइए ना। आइए, हमारे साथ एक खली सर का भारी भरकम फैन जुड़ चुके हैं, जो खली सर से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ तो कहिए। हम खली सर से यही कहना चाहते हैं कि बात मार के सोफा फाड़ दे। तो हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं ये लॉकडाउन में सारा दिन घर पर बैठ कर क्या करते हैं। हिलाते हैं। क्या हिलाते हैं? जो आप समझे। तो पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन बीच रास्ते में दिखता नहीं कबे लऊ। हे भगवान कुछ कीजिए, अरे दो चार दर्जन दीजिए। का बच्चा? पापा पापा नहीं रे, गर्लफ्रेंड। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि लॉकडाउन में आप लोग ज्यादा शादी ब्याह का रसगुल्ला ना खाए, नहीं तो आपकी तिरहमी का रसगुल्ला बट सकती है। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। अरे चलो ना भोज खाने। अरे अरे आ रहा है, रुको लगा। कैमरा बंद करो, चलो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुका है जो गरीब है, गवार है। ए रिपोर्टर, आई एम नॉट गवार, तुम्हारे माल के लेके हो जाएंगे फरार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कुछ बच्चा कुछ कर रहे हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। हाँ तो बताइए कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। अरे रिपोर्टर, तुमको नहीं पता है बिहार में कोरोना ना आ गया है, उसको भगा रहे हैं। तो नमस्कार प्रणाम, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो पत्नी से परेशान है, तो आइए जानते हैं कि ये पत्नी से क्यों परेशान है। हाँ तो बताइए। हमको लगाने नहीं देती है। अब क्या लगाने नहीं देती है? और क्रीम नहीं लगाने देती है, काहे कि हम कलुआ है ना। हमको लगा भाई तू लंदन जाके गोरा हो गया है, कहाँ से किका आटा खाता है? हे ब्रो, आई एम नॉट टिंगा आटा, गर्लफ्रेंड का क्रीम चुरा के लगाता, इसीलिए गोरा हो जाता। अरे
ऐसा नहीं चलता हिंदुस्तान में, अपने देश में। अरे संस्कार संस्कृति कौनो चीज है, एकदम पूरा ऐसे दिखा दिया, बहुत गंदा लगता है, ऐसा नहीं दिखाना मांगता है। मगर गुप्ता मजा बहुत आया रहा। दोस्त हाँ चलेगा क्या? कहाँ? हाथी के गार में। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि खलीफा सुनने पर इनके दिमाग में किसका ख्याल आता है। हाँ तो बताइए। बुर्ज खलीफा। आप? मियां खलीफा। दोस्त जब से तुम्हारे गर्लफ्रेंड से मिले ना, हमको अजीब सा हो रहा है। कहीं कोरोना रोना तो नहीं ना हो गया है? अरे नहीं रे, तो गर्लफ्रेंड से हमको प्यार हो गया है। नमस्कार बर्रा बाबा, सब देखे सब बच्चा जुड़ चुका जो रात है भगवान। हे भगवान, आप इससे माता पिता का छीन लिए भगवान। हे भगवान। रे छोड़ा, घरे तोर मम्मी बुला रही है। ठीक है आते हैं। नमस्कार प्रणाम, आज हम बिहार में आ गए हैं। तो भाई साहब आपको लगता नहीं है कि बिहार के लोग बड़ी वो टाइप सुंदर सपट्टा हीरो टाइप इंसान है? जिया हो बिहार के लाला। हमारे साथ एक बच्चा है, तो चलिए इससे एक छोटा सा बात पूछते हैं, आप लोग भी सुनिएगा। आप किसी को कभी चुमा लिए हैं? लिए हैं। किसको लिए हैं? तो माल के। अरे थैंक यू ब्रो, थैंक यू थैंक यू। अरे हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पार्टी गिफ्ट योर गिफ्ट दे पार्टी ले। ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक बड़वा साला फोकट है, पार्टी लेने आ गया। आजकल भोजपुरी में एक गाना ट्रेंड कर रहा है कि दोनों बैलून हमर धुक धुक करे। इसमें बैलून को मोहरा बना के किस चीज का बात किया जा रहा है? रिपोर्टर हम नहीं बताएंगे, लड़की सब पूरा मान जाएगी, हम नहीं बताएंगे। अरे कट कर दो, अब कैमरा बंद हो गया, आप बताइए। रिपोर्टर स्तन की बात किया जाता है? कैमरा चालू था बहुत। तो नमस्कार प्रणाम, हमारे साथ एक ऐसे भाई साहब, अभी कहाँ सोहरा रहे हैं? रिपोर्टर हम सिंगल है ना, तो अपने सोहरा के हवस मिटा रहे हैं। तो हमारे साथ एक बच्चा जुड़ चुका है, तो चलिए इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको भविष्य में किसी हीरोइन से शादी करने का मौका मिले तो किससे करेंगे? अरे रिपोर्टर वो है ना वो चश्मा वाली, ओ मियां खलीफा। दोस्त तुम्हारे भैया हमारे भैया, तुम्हारी दीदी हमारी दीदी, तुम्हारी बीबी हमारी बीबी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ गांव के एक कड़िया आदमी, बहुत ही गोरे आदमी जुड़ चुके हैं। इनके पीछे 10-10 को लड़की आगे पीछे करती रहती है, गांव में इनके जैसे कोई सुंदर है ही नहीं। सही बात है ना? तो हमारे साथ एक बहुत बड़े शायर जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे शायरी सुनते हैं। हाँ तो सुनाइए। सिगरेट पियो टोटल, कभी खांसी नहीं होगी। वाह 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 वाह। सिगरेट पियो टोटल, कभी खांसी नहीं होगी। वाह वाह। लड़की पटाओ वकील की, कभी फांसी नहीं होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत पुराने मित्र जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आए रिपोर्टर, अरे तो नौ वाली माल के का हाल है? अभी बोलना जरूरी था रे, ऐसे दिल्ली में रहती। तुम्हारा का हाल?